मिली। आपको बता दें 9 नक्सली मारे गए हैं, जिस तरह से ये मुठभेड़ हुई है। दरअसल आपको बता दें छत्तीसगढ़ में यानी कि दंतेवाड़ा में यहां पर जवानों को जानकारी मिली थी कि जंगल में कुछ नक्सली जो है सक्रिय हैं, घात लगाकर बैठे हैं, किसी भी समय ये हमला कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई। सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, सर्चिंग करने के लिए यहां पर पुलिस निकली और आपको बता दें मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर हो चुके हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है दंतेवाड़ा से, तो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, ग्रामीणों पर हमला करने के लिए, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये नक्सली घात लगाए बैठे थे। लेकिन जब यहां पर सर्चिंग के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस निकली, दंतेवाड़ा पुलिस निकली, तो यहां पर मुठभेड़ में आपको बता दें 9 नक्सली मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। तो 9 नक्सली जो मारे गए हैं इस मुठभेड़ में, उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं सत्ता परिवर्तन हुआ और लगातार ही यहां पर जो प्रयास किए जा रहे हैं मौजूदा सरकार की ओर से, चाहे पुलिस जवानों की ओर से बात कर ले, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कैसे छत्तीसगढ़ को नक्सली हमले से मुक्त कराना है, नक्सलवाद की समस्या को जड़ से मिटाना है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की बात कर ले, चाहे बैठकों की बात कर ले और चाहे अभियानों की बात कर ले, जो बैठक ली जा रही है, जो निर्णय लिए जा रहे हैं कि कैसे रणनीति बनाना है, कैसे नक्सलियों को मुख्य धारा में लाना है और कैसे अगर जो नक्सली मुख्य धारा में नहीं लौटते हैं उनको कैसे ढेर करना है, इसको लेकर लगातार सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से एक अलग रणनीति देखने को मिल रही है। और बड़ी बात यह है कि इस रणनीति जो ये रणनीति है वो कारगर साबित भी हो रही है। और आज देखिए यहां पर 9 नक्सली ढेर हो चुके हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है दंतेवाड़ा से और जोगेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोगेश्वर देखिए एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है, 9 नक्सली ढेर हुए हैं, क्या जानकारी है? जी जवान जो है निकले थे सर्चिंग के लिए, तो तब दोनों तरफ से जो मुठभेड़ चल रही थी और मुठभेड़ जो है रुकने के बाद जो है सघन सर्च किया गया जवानों द्वारा लोहा गांव के करीब में, जो बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमावर्ती कह, जवानों को जो है 9 नक्सलियों का शव जो है वो बरामद हुआ है। और SLR त्रिनाथ्री ये सब चीजों की जो हथियार है वो बरामद हुई है। लगातार पुलिस फोर्स जो है उस जो है दंतेवाड़ा SP ने भी नजर बनाए रखे हुए हैं। जोगेश्वर कितने नक्सली होंगे जो अभी भी एक्टिव हैं और क्या ये मुठभेड़ अभी भी जारी है? जी यहाँ पे तो अभी जो है मुठभेड़ रुका हुआ है और सर्च जो वो कर रहे हैं। और नक्सलियों की संख्या जो इसमें नहीं बताया जा सकता, क्योंकि दंतेवाड़ा SP ने ये दावा किया है कि 20 से 25 जो माओवादी हैं वो कहीं मतलब बैठक की जो फिराक में थे, तो उस दरमियान जो है जवानों की जो है नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। जी अच्छा बिल्कुल जोगेश्वर देखिए यहाँ पर 9 नक्सली जो ढेर हुए हैं, क्या इनकी पहचान की जा चुकी है? क्या इन पर इनाम भी घोषित था? हाँ अभी तक जो है शासन के तरफ से इन सब नक्सली हैं वो कहीं ना कहीं इनाम तो घोषित है, पर अभी तक जो है पुष्टि जो है वो नहीं कर पाए, ना शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि इसमें बड़े माओवादी हैं वो मारे जा चुके होंगे। जी बिल्कुल, देखिए दंतेवाड़ा के जंगलों की बात कर ले, ये पहली दफा नहीं है जब यहां पर नक्सली जो है एक्टिव है, नक्सली घात लगाए बैठे थे। ये कौन सा इलाका है जोगेश्वर जहां पर ये पूरी मुठभेड़ हुई है? हाँ जी दंतेवाड़ा की जो हिस्सा है जो लोहा गांव उसकी जो करीब से लगा है बीजापुर, दोनों जिला के सीमावर्ती कहलाया जाता है लोहा गांव, वहीं पे जो है जवानों की जो मुकाबला जो नक्सलियों से हुई है, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। जी बिल्कुल दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। लेकिन जोगेश्वर एक तरफ छत्तीसगढ़ की देखिए सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद, क्योंकि ये नक्सली न केवल जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि ग्रामीणों पर आए दिन ही हमला कर देते हैं। ऐसे में जिस तरह से मौजूदा सरकार प्रयास कर रही है, जो मौजूदा सरकार की ओर से अहम रणनीति बनाई जा रही है, जो अभियान चलाए जा रहे हैं, पुलिस की ओर से जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से अब छत्तीसगढ़ में इसका असर देखने को मिल रहा है? आज जी छत्तीसगढ़ सरकार जो है पुनर्वास नीति जो आत्मसमर्पण की नीति है वो भी अपनाई है। अगर नक्सली जो है किसी तरह वो मुख्य धारा पे नहीं जुड़ पाते हैं तब जो है उन्हें कहीं ना कहीं गोली की जवाब जो है गोलियों से देने की बात जो है पिछले बस्तर दौरे के दौरान जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा है। जी
बिल्कुल जोगेश्वर, देखिए यहाँ पर दंतेवाड़ा की ही अगर अकेले बात कर ली जाए तो यहाँ पर 9 नक्सली तो आज ढेर हुए हैं, और अभी तक का क्या आंकड़ा कहता है, किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, कितने नक्सली यहाँ पर ढेर हो चुके होंगे, और क्या कोई इनामी नक्सली भी यहाँ पर अभी भी सक्रिय है जिसको लेकर इनाम घोषित किया गया हो और जिसके नाम भी सामने आ रहे हो? हाँ जी, देखिए इस क्षेत्र में जंगली इलाका होने के चलते जो है यहाँ कई बड़े माओवादी होने की संभावना हो जताई जाती है लगातार पुलिस अधिकारियों के द्वारा हो, या फिर छत्तीसगढ़ में जो है गृह मंत्री हैं वो तमाम जो है ये लगाते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यधारा से नक्सली जुड़े हैं, तभी जो है इनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ के जो है अच्छी कुशल जीवन जो है वो जीने को शासन मदद करेगी, और अगर बंदूक छोड़ने को तैयार नहीं है नक्सली तो कहीं ना कहीं इन्हें गोली की जवाब गोलियों से दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए गोलियों का जवाब अब गोलियों से दिया जाएगा और यही देखने को भी मिल रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, अंकुश भी जुड़ चुके हैं। अंकुश देखिए आज एक बार फिर